being a pulmonologist and intensive care expert, I want to give some important guidelines whenever we are facing a critical ill patients in emergencies. Because emergencies में क्या रहता है, कभी भी sick patients हमारे पास आता है तो patients हमें बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आईसीयू की ज़रूरत है, तो वेंटिलेटर पे चले जाएंगे तो उसके बाद तो वापस आना बहुत ही मुश्किल है। देखिए वेंटिलेटर एक प्रकार का मोड है जो कि ऑक्सीजनेशन और वेंटिलेशन देने के लिए है। अगर हमारे ब्रेन या लंग्स या हार्ट फेल होता है, जैसे कि हमारे हार्ट फेल होता है, तो हमें एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत रहती है जो कि कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं। तो अगर हमें कोई इन्फेक्शन हो गया एब्डोमेन के अंदर जो कि बहुत ज़्यादा है, और अगर हमारे लंग्स के अंदर इन्फेक्शन है, तो अगर सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन हो जाता है, सो वो इन्फेक्शन इतना ज़्यादा है कि हमारे हम ब्रीद नहीं कर पा रहे हैं और हम नॉर्मल रेस्पिरेशन नहीं कर पा रहे हैं, सो वेंटिलेटर पे उन्हीं पेशेंट्स को डाला जाता है। और जब वेंटिलेटर की बात आती है, इट इज़ जस्ट फॉर ऑक्सीजनेशन, जिससे कि हम ऑक्सीजन या रेस्ट अपने लंग्स को दे सकें। जब तक कि वो इन्फेक्शन मैक्सिमम 80-90% ऑफ द टाइम वो इन्फेक्शन अगर हम ईजिली एनकाउंटर करें, ईजिली हॉस्पिटल अर्ली हॉस्पिटल हम जाएं और ट्रीटमेंट करें, और कभी भी वेंटिलेटर की ज़रूरत हमें पड़ती है, इट इज़ जस्ट फॉर गिविंग रेस्ट टू द ऑर्गन प्राइमरली लंग्स। जिसकी वजह से अगर आप सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन में भी जा रहे हैं, तो जितना भी इन्फेक्शन है उसको टाइम मिले ट्रीटमेंट का। जैसे कि टाइम मिलेगा ट्रीटमेंट का, जैसे ही आपका इन्फेक्शन कम होगा, तो धीरे धीरे वेंटिलेटर रिक्वायरमेंट कम होती है और धीरे धीरे आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ठीक होते रहते हैं। ये कभी ये एक मिथ रहती है कि वेंटिलेटर पे जाने के बाद आपके ऑर्गन्स खराब होंगे और आप धीरे धीरे डैमेज होता रहेगा आपका सिस्टम, ऐसा नहीं होता। वेंटिलेटर इज जस्ट ए मोड ऑफ ट्रीटमेंट इन क्रिटिकल केयर, एंड व्हेनेवर वी आर गेटिंग एडवाइस बाय एनी डॉक्टर इन एनी हॉस्पिटल कि योर पेशेंट रिक्वायर वेंटिलेटर, इट शुड बी टेकिंग एज ए पॉजिटिव नोट कि यस इफ ए पर्सन इज रिक्वायरिंग ए वेंटिलेटर, सो वी शुड नॉट थिंक दैट इन माइंड कि वेंटिलेटर नहीं हमें यूज़ कराना, हमें वेंटिलेटर पर नहीं करना। इट इज़ जस्ट ए मोड ऑफ ट्रीटमेंट जिसमें कि आगे पॉसिबिलिटी ये है कि 90% ऑफ द टाइम वी आर कमिंग आउट ऑफ वेंटिलेटर, एंड इट शुड बी ए पॉजिटिव नोट।